यहाँ पर पानी पूरी का स्टॉल लगा के रखा हुआ है, ये परी पार्क की इधर है, तो आप लोग भी। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं उठ चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे रूटीन सही हो रहा है, तो कल हम 11 बजे तो उठे थे, आज हम 10 बजे उठ चुके हैं। और अब तो नवील भाई चले गए वापस पुणे, तो अब अपन को खुद जाना पड़ेगा जहाँ भी जगह जाना होगा, क्योंकि जब भाई रहते थे तो हिम्मत रहती थी कि कहीं भी मतलब उनके साथ बैठ के चले जाते थे गाड़ी पे, क्योंकि पता है मेरा मतलब मेरा दिल ही नहीं चाहता कहीं बाहर जाने का, पर अब जाना पड़ेगा क्योंकि नवील भाई है नहीं, तो आदिल की दुनिया को खुद बाहर जाना पड़ेगा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा भोपाल। फिलहाल तो कर लेते हैं नाश्ता, और नाश्ते में वही अपना चाय टोस्ट होगा या चाय पराठा होगा। और यहाँ पर हमारे रायल भाई ब्रश कर रहे हैं, दिखा दो जरा कैसे ब्रश कर रहा है। ये पूरे अच्छे से, यस क्लीन इट पूरा अच्छे से, वाह वाह रे बस भाई। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है, आप देख सकते हैं चाय से क्या स्मोक आ रहा है। और यहाँ पर रायल भाई सुबह सुबह ही यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लगे। नाश्ता करो पहले, बेटा चाय करेंगे ना, अम्मा बहुत मारेंगी, मैं नहीं जानता, इसलिए बेटे नाश्ता कर लो। ब्रश कर लिया? और अच्छा, मेरे सामने तो करा था यार। तो अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है अभी दिन के, और मैं नहा धो के भी रेडी हो चुका हूँ। और अभी मैं राहिल का ही इसमें हवा भरवाने जा रहा हूँ, राहिल भाई मुझसे बहुत जिद कर रहे हैं, तो अपन पंचर की दुकान पे चलते हैं। अगर पंचर वाले भर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई टॉय शॉप पे ही लेके जाऊँगा, वहाँ से भरवा के ले आऊँगा, कुछ होगा है ना राहिल भाई। हाँ। तो चलिए चलते हैं, पंचर शॉप तो आ चुके हैं और यहाँ पर हवा भी डालना है भाई, इससे तो बहुत जल्दी भर रही है, मतलब मिनटों में भरने लगी है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और रायल भाई अब तो खुश हो, हमारे टॉय में हवा भर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, हमारा अजीम अंकल आ गए। और अंकल हैरियत है, पूरे टाइम ऑनलाइन है अंकल अपन। यहाँ पर हवा भर रही है, हवा भरवा के तो ले आए थे, अब हवा तो भर चुकी है, अब ये जो खड़ा होता है तो ये खड़ा भी हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसके नीचे जो है यहाँ पर ये जगह में यहाँ पर पानी भरा जाएगा, तो ये जगह पानी भरने की अपन इससे अभी पानी डाल देखो भाई, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा ना, तो अंदर तो अपन इसमें पानी भर देते हैं अब। हाँ। है ना, पानी भर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें हवा भी भर दी और पानी भी भर गया, अब नीचे यहाँ पर जो है यहाँ पानी भरा जाता है नीचे, तो यहाँ पर अब पानी भर दिया। अब रायल भाई यहाँ पर बॉक्सिंग करेंगे, करो भैया, ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना। ब्रॉक लेसनर कौन है? तुम हो और ये जॉन सीना है, ठीक है मारो भैया। मैच स्टार्ट हो गया, चलो। अरे बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, बस बस, अरे बस बस मर, वो तो हो गया मर, हाँ हो गई। टन 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 टन, एंड द विनर इज ब्रॉक लेसनर, वेरी गुड। अभी टाइम हो गया शाम के 5:30, और अभी मैं जा रहा हूँ हमारे स्टेशन वाले मकान पर, वहीं से मुझे रेंट वगैरह और बिजली का बिल भी लेना है, तो चलिए चलते हैं। और फिर वहीं से मैं जाऊँगा जहांगीराबाद साइड, क्योंकि वहीं पर मैंने रायल की RC कार डाली थी मैंने और नवील भाई ने, तो आज हो सकता हो गई हो, और वहाँ जाके मैं देख लूँगा, हो गई होगी तो ले आऊँगा, और नहीं हुई होगी तो फिर और वेट कर लेंगे। स्टेशन वाले घर तो आ चुके थे और रेंट और बिल दोनों ले लिया है, पर पोपट ये हो चुका है जैसे ही मैं आया बारिश चालू हो गई और मैं थोड़ा भीग गया था, तो मैंने सोचा वॉक करके थोड़ा और भीग लूँ और सोचा व्लॉग भी बना लूँ, क्योंकि बारिश मतलब इतनी धूप हो रही थी और एकदम से बारिश हो गई, और मैं टहलते देखिए बाहर आ गया। यहाँ पर ये 80 फीट रोड है जाकर, और देखिए लोग यहाँ पर बारिश के मज़े ले रहे हैं, सब लोग यहाँ पर वॉक करते हुए आ रहे हैं, तो मैं भी बारिश के मज़े ले रहा हूँ। ये देखिए आप कैसी बारिश हो रही है, मैं तो वॉक करते मतलब ये जो ब्रिज जो बन रहा है अभी यहाँ पर स्टेशन के पास वहाँ पर आ गया वॉक करते करते, मैंने कहा बारिश के आज मज़े ले ही लेते हैं, क्योंकि अच्छे से ही भीग जाते हैं, क्योंकि बारिश में भीगने का मौका मिल ही नहीं रहा था, तो इस बहाने मैंने सोचा बारिश में भीग लो। और आप लोगों को ये ब्रिज दिखा दूँ, ये ब्रिज बन रहा है देखिए, इसके पूरे जो रोड था वो तोड़ दिया, और यहाँ पर अभी काम चालू भी नहीं हुआ, ये ब्रिज कम से कम 2 महीने तक तो बंद ही रहेगा, और यहाँ पूरा काम चलेगा। अभी तो ब्रिज के नीचे काम चल रहा है, उसको पूरा रिपेयर कर रहा है, नीचे जो प्लास्टर लगता है ना शायद ब्रिज के, उसमें पूरा रिपेयरिंग का काम चल रहा है, और जैसे ही नीचे रिपेयरिंग का काम हो जाएगा फिर ये ऊपर का काम चालू हो जाएगा, यहाँ पर रोड बनने लगेंगे।
और आप ये सीन देखिए, बारिश भी हो रही है और यहाँ पर सन भी निकल चुका है और देखिए कितना प्यारा नेचर दिख रहा है यहाँ से, इतना खूबसूरत माहौल है ये देखिए, क्या बात है। मैं तो पूरी तरीके से भीग चुका हूँ और यहाँ पर जो रोड तोड़ के फेंके थे वो देखिए यहाँ तोड़ के फेंके, और यहाँ पर पूरी ट्रेन की पटरियाँ दिख रही हैं अपन को, और ये देखिए ये भी पूरा टूटा हुआ पड़ा हुआ है, और जल्दी से ये काम चालू हो जाए यहाँ के ब्रिज का, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है आने जाने में, अलग अलग रास्तों से जा रहे हैं, और आप तो जानते हैं पेट्रोल की प्राइसेस तो ऐसी हाइक कर चुकी है अपने इंडिया में, तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही। तो आई होप ये ब्रिज जल्दी बन जाए, और मैं तो थक गया भैया। तो स्टेशन से तो आ गए थे घर वापस, और अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30, और अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर शाम का नाश्ता। देखिए नाश्ते में चाय और पार्ले जी बिस्किट, और ये बिस्किट पार्ले जी बिस्किट 10 वाला है, ये कभी 5 रुपये में आया करता था, आज देखिए ये 10 रुपये में इतना बड़ा दे रहा है, और नाम यहाँ पर लिखा भी है 10% रखा है का एक्स्ट्रा, बल्कि पूरा कम कर दिया। तो अभी मैं ऐसे ही घूम रहा था, और अभी मैं आ चुका हूँ परी पार्क के पास, और यहाँ पर मैंने बहुत यूनिक पानी पूरी का स्टॉल देखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया ने ऑटो में यहाँ पर पानी पूरी का स्टॉल लगा के रखा हुआ है, ये परी पार्क ही इधर है, तो आप लोग भी यहाँ विजिट करिएगा, क्योंकि ये स्टॉल मुझे बहुत पसंद आया। भैया ने पूरे ऑटो को कन्वर्ट कर दिया एक पानी पूरी के स्टॉल में, और यहाँ पर दही पूरी और पानी पूरी और भेल पूरी चाट परंडा सब मिलता है। तो भैया मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? मैं ये पूछ रहा था आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपने ऑटो में पूरा कन्वर्ट कर दिया इस स्टॉल को? भाई साहब क्या है, ठेले पे ज़्यादा वजन हो जाता है। अच्छा, ठेले पे वजन ज़्यादा हो जाता है तो आपने ऑटो में पूरा कन्वर्ट कर दिया इसको, मतलब ऑटो को कन्वर्ट कर दिया। ओके, अच्छा मतलब शुरू, अच्छा ऑटो चलता है या नहीं चलता? ये चलता है, ऑटो भी चलता है। वाह यार बढ़िया है भैया। तो भैया ने हमारी पानी पूरी बना दी है, तो हम लोग पानी पूरी का मज़ा लेते हैं, और अगर आपको भी पानी पूरी का मज़ा लेना है तो भैया के पास ज़रूर आइएगा, ये परी पार्क ही इधर है, तो ज़रूर विज़िट करिएगा। तो पानी पूरी तो खा ली थी, और अभी बहुत तेज़ लग रही थी मुझे प्यास, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर गन्ने का रस पीने। वहीं परी पार्क के इधर आ गई है, तो यहाँ पर भी देखिए 10 रुपये में गन्ने का रस मिल रहा है, तो अभी अपन गन्ने का रस पी लेते हैं और अपनी प्यास बुझा लेते हैं, क्योंकि गन्ने का रस बहुत सुकून देता है। तो घर से लौटने के वक्त मैंने ले लिए थे कुछ स्नैक्स, यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या ले लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने एक सॉलिड मस्ट भी ले लिया, ये तो नहीं स्कूल टाइम है, ये राहिल की फेवरेट चीज़ है, तो मैंने ये ले लिए स्कूल मस्ती, और एक अंकल चिप्स ले लिया, यहाँ डेरी मिल्क लिए, और ये वाले लेज मेरे फेवरेट हैं, और ये सॉलिड मस्ती। ये सब चीज़ें मैं इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि खाने के टाइम ना मैं ये सब स्नैक्स साथ में रखता हूँ जब खाना खाता हूँ, क्योंकि जैसे कुछ मेरा ये मानना है, जैसे मतलब कुछ मेरी फेवरेट चीज़ नहीं बनी, फॉर एग्जांपल लौकी की सब्ज़ी, तो मैं क्या लौकी की सब्ज़ी के साथ एक स्नैक, एक टुकड़ा जो अंकल चिप्स का ले लूँगा, एक टुकड़ा लेस का ले लूँगा, तो क्या वो टेस्टी बन जाता है थोड़ा मेरे लिए, तो मैं इसलिए ये सब करता हूँ। ये मेरा खाने को मज़ेदार बनाने का एक पैतरा है, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा कि अगर आपको कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लग रही हो, मतलब आपकी फेवरेट नहीं है, मनपसंद नहीं है, वैसे तो भाई हर चीज़ खाना चाहिए, ये सब अल्लाह की नियामत है, तो अपन को तो हर रिस्क खाना चाहिए, अल्लाह रिस्क तो अल्लाह की तरफ से आता है, पर इन केस अगर आपको नहीं पसंद आ रही वो चीज़, थोड़े मतलब आपको टेस्ट कम लग रहा है, तो ये पैतरा ज़रूर आजमाइएगा। जो मुझे अच्छे लगते हैं मैंने तो वो ले लिया। आगे इधर वापस कर दो, सब मेरी चीज़ें बड़े आए, मैंने ले लिया जो मुझे अच्छा लगा, दूर हटो, ये सब अपने लिए लाया हूँ मैं, एक दिन की कोई, मैं एक दिन में ये सब नहीं खाऊंगा, ये मैं खाऊंगा मंडे को, नहीं आज क्या है, आज मुझे खुद नहीं पता, थर्सडे, तो ये ट्यूसडे, तो ये ट्यूसडे का हो गया, ये मैं वेडनेसडे के लिए रख रहा हूँ, और इसमें से एक मैं फ्राइडे के लिए रख रहा हूँ, ये सैटरडे हो गया, ये संडे हो गया, और ये वापस मंडे हो गया। ये डेरी मिल्क मैं अपनी अम्मा के लिए लाया हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी को डेरी मिल्क बहुत अच्छी लगती है, तो आप लोग भी अपनी अम्मी के लिए डेरी मिल्क लाइए, चीज़ें लाइए जो जो उनको पसंद है, समझ गए, तुम भी यही करो, बड़े आए। तो यार गाइस यही था आज के व्लॉग में, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया, अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।